हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फॉक्स एंड्रॉइड। तो आज हम देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है बिल्कुल बिगनिंग से, तो कौन से स्टेप्स रहेंगे, कैसे हम उसको बिल्ड करेंगे, और हम एक बिल्कुल बेसिक सा जो पहला हमारा प्रोजेक्ट होता है डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, उसको मोबाइल पे रन भी करके देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार, उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दो, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, और यार इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो पहली बार खोलेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आएगी, देन विल क्लिक ऑन स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसके बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, राइट। तो आज हम एम्प्टी एक्टिविटी के साथ एम्प्टी टेम्पलेट, जो बेसिक टेम्पलेट रहता है, उसके साथ स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे आपके पास और टेम्पलेट्स की भी ऑप्शन रहती है, जैसे कि बॉटल नेविगेशन एक्टिविटी, यहाँ पे आपके पास मैप्स की एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी है। तो ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जो एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ से हम प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हमें कोई ऐसी एक्टिविटी बनानी है, हमारा जो ऐप का पेज है वो ऐसा है जिसमें हमें बॉटल नेविगेशन बार चाहिए या मैप्स चाहिए, तो हम इन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, ये प्री डिफाइंड पहले ही आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी में, तो हमारा काम इजी हो जाता है। तो अभी के लिए हम इसे एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। ओके, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी आप उसको वो नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी फॉक्स एंड्रॉइड रख रहा हूँ इसका नाम। इसके बाद ये आपका पैकेज नेम पूछेगा। पैकेज नेम इज नथिंग बट आपकी कंपनी का जो डोमेन नेम है वो आता है यहाँ पे। तो इसका पर्पस क्या होता है अभी के लिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉक्स एंड्रॉइड टाइप किया तो यहाँ पे com.example.foxandroid आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी डोमेन नेम नहीं है तो हम यही रखेंगे। पर जैसे कि मान लीजिए फॉक्स एंड्रॉइड नाम की 5 एप्लीकेशंस हैं, तो इन एप्लीकेशंस को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो गूगल कहाँ से, प्ले स्टोर कहाँ से डिफ्रेंशिएट करेगा, इस पैकेज नेम से। ये पैकेज नेम यूनिक होता है हर किसी कंपनी का, तो एप्लीकेशन का नेम तो सेम हो सकता है बट ये पैकेज नेम डिफरेंट होगा, तो वहाँ से वो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। अब कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो ये मेरी डिफॉल्ट लोकेशन है, मैं यहीं पे सेव करना चाहता हूँ। देन इट आस्क कि आप कौन सी लैंग्वेज में डेवलप करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शंस रहती हैं, कॉटलिन एंड जावा, तो हम जावा के साथ प्रोसीड करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा मिनिमम SDK, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कौन से मिनिमम SDK के साथ कंपेटेबल होगी। तो यहाँ पे जैसे पहले जेली बीन डिफाइंड है, तो अगर मेरी एप्लीकेशन जेली बीन मिनिमम SDK जेली बीन रिक्वायर्ड है, तो ये 99.2% डिवाइसेस पे काम करेगी, बिकॉज जो वर्ल्ड में पूरे में 99.2% डिवाइसेस है वो जेली बीन है, उसके ऊपर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेटेस्ट वाला कर देता हूँ, कुछ क्यू कर देता हूँ, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो ओनली 8.2% डिवाइसेस पे चलेगी। बट मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस पे चले, तो हम इसको जेली बीन रखते हैं, राइट। देन विल क्लिक ऑन फिनिश। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट है जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये विंडो खुलेगी, इसके बाद ये आपके जो बिल्ड है इसको रन करेगा एक बार, तो लेट इट कंप्लीट द बिल्ड। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं इसको, यहाँ पे आपका बिल्ड रन हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा जब तक ये बिल्ड कंप्लीट होगा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं जैसे ये बिल्ड कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्ड कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ऐसी कुछ विंडो खुलेगी, तो यहाँ पे आप अपना जावा कोड लिखेंगे, दैट मीन बैक एंड कोड लिखेंगे। आज हम इसको कुछ यहाँ पे करने ही नहीं वाले हैं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपका फ्रंट एंड आ जाएगा, राइट। ये activity_main.xml फाइल, ये बाय डिफॉल्ट ये XML फाइल क्रिएट होगी। तो इट्स सेइंग वेटिंग फॉर बिल्ड टू फिनिश, इसको बिल्ड को फिनिश होने देते हैं। ऑल्दो बिल्ड फिनिश हो चुका है बट इट्स टेकिंग इट्स टाइम, तो लेट्स वेट। ओके,
तो ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मींस जो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, तो वो ये है। तो अब जल्दी से इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके देखते हैं। तो अगर आप किसी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको अपने एमुलेटर पे या फिजिकल डिवाइस पे रन करके देखना है, तो यहाँ पे ये रन का बटन है, आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपका मोबाइल आ जाएगा और यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड रखूंगा, इसे मोबाइल कनेक्ट करूंगा, ऐप इंस्टॉल करूंगा और उसको डायरेक्ट अपने मोबाइल पे दिखा दूंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं मेरे मोबाइल पे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश। तो ये मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब इसको हम अपने मोबाइल में ऑन करके देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Xiaomi Redmi Note 5 Pro मेरा मोबाइल है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था और यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो गई है। तो जल्दी से मैं आपको अपने सेल फोन पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सेल फोन पे, तो यहाँ पे ये सेम एप्लीकेशन, जैसे कि हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा दिख रहा है, ये हमारी एप्लीकेशन मोबाइल स्क्रीन पे भी ऐसे ही दिख रहा है। तो गाइस, आई गेस हमने अपना पहला प्रोजेक्ट बड़े अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिया एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।